मुल्क की वाहिद जमात है एमकेएम जो मिडिल क्लास से निकली है, और एमकेएम ने प्रैक्टिकली मिडिल क्लास पीपल को असेंबलियों में भेजा है। पाकिस्तान में कोई जमात नहीं आप दिखा दें जिसने के इतनी बड़ी तादाद में फ्यूडर्स का जो एक शिकंजा था पाकिस्तान में उसको तोड़ा है, ब्रेक किया है। आप सबको खुशियां मुबारक हो, कौमी मेला मुबारक हो और यौम आजादी मुबारक हो। आज के दिन हमें ऐद करना चाहिए कि हम उस मकसद को कि इस पाकिस्तान के अंदर इस खत्ता जमीन में रहने वाले तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को बिना तफरीक इंसाफ फराहम किया जाएगा, जुल्म नहीं किया जाएगा, ना इंसाफी नहीं की जाएगा। आज के दिन यही अहद बनाइए कि हम जद्दोजहद के जरिए, हम अपनी कोशिशों के जरिए इस पाकिस्तान को ऐसा पाकिस्तान बनाए जहां फिर किसी को महाजिर कौमी मूवमेंट बनाने और जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करने की जरूरत ना पड़े। बस मेरा आप देखिए इस मौके पर यही बयान है। बहुत बहुत शुक्रिया। और साहब एमकेएम एक दिन में नहीं बनी है, ये 1978 से तहरीक चल रही है। और एमकेएम के जो फॉलोअर्स हैं वो तमाम के तमाम वेल एजुकेटेड, द मोस्ट एजुकेटेड पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड दे आर फ्री पीपल। दे डोंट हैव एनी फ्यूडल लॉर्ड्स और एनी जागीरदार और एनी वडेराज ऑन देयर हेड्स। और 1987 से एमकेएम इलेक्शन जीतती चली आ रही है, हत्ता के ड्यूरिंग आर्मी ऑपरेशन 1993 के इलेक्शन जब फौज मौजूद थी एमकेएम ने इलेक्शन जीते, लोगों ने फ्रीली अपनी मर्जी से वोट दिए एमकेएम को। अब अगर आवाम की अक्सरियत अल्ताफ हुसैन को अपना कायद मानती है तो किसी को तकलीफ क्यों हो रही है? सादत है, इससे खौफ खाऊं मैं ये तो हो नहीं सकता। डॉक्टर इमरान फारूक का शुमार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी रहनुमाओं में होता था। तीन दिहाइयों पर मुश्तमिल सियासी करियर के दौरान वो दो मर्तबा कौमी असेंबली के रुकन भी मुंतखब हुए। कराची ऑपरेशन के दौरान वो रूपोश रहे और उसके बाद बरतानिया में जलावतनी इख्तियार कर ली। इस साल 16 सितंबर को उन्हें लंदन में कत्ल कर दिया गया। उनका शुमार अल्ताफ हुसैन के अव्वलीन साथियों में होता था और उनके कत्ल पर अल्ताफ हुसैन ने शदीद रंजो गम का इजहार करते हुए उन्हें शहीद इनकलाब करार दिया। कैसे बर्दाश्त होगा, कैसे हिम्मत से बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई। आप बहादुर इंसान है, हिम्मत पूरी दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकी भाई। हिम्मत दे छोड़ने की उन्होंने कोशिश की भाई। करो
इमरान फारूक के सोगवारान में उनकी बेवा और दो बच्चे भी शामिल हैं। उनकी बेवा शुमाइला मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के टिकट पर सन 2002 में सिंध असेंबली की रुकन मुंतखब हुई थी। इमरान फारूक के कातिलों की तलाश में स्कॉटलैंड यार्ड अब तक कामयाब नहीं हो सकी, जिसके बायस उनकी बेवा का दुख दो चंद हो गया। लंदन में इमरान फारूक की नमाज जनाजा के मौके पर भी रिक्कत आमेज मनासिर देखने में आए। इमरान फारूक के दीरीना दोस्त और अल्ताफ हुसैन इस मौके पर शिद्दत गम से निढाल थे। उनकी कुर्बानियाँ तहरीक के लिए, उनकी जद्दोजहद अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती। ऐसे साथी डॉक्टर इमरान फारूक शहीद जैसे सदियों में मिला करते हैं। ये तो हो नहीं सकता, मैं नहीं सिपाही वो तीर जो दिखा, हम सफर नहीं ऐसा साथ जो ना चल पाए, मैं नहीं वो साया जो तीरगी में खो जाए, राह में छोड़ जाऊं मैं ये तो मौत तो मुकद्दर है, एक खुली हकीकत है, कौम की बका है ये जिंदगी की कीमत है, राह हक में मरा तो इज्जत और सआदत है, इससे खौफ खाऊं मैं ये तो। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकजी रहनुमा इमरान फारूक APMSO के जमाने से अल्ताफ हुसैन के साथी थे। इमरान फारूक ने डाउ मेडिकल कॉलेज से 1985 में MBBS किया। वो कौमी असेंबली के हलका NA88 और 90 से दो बार इलेक्शन जीते। वो 1992 में उस वक्त रुपोश हो गए थे जब MKM के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हुआ। इस दौरान अखबारात में तरह तरह की अफवाहों और खबरों का सिलसिला जारी रहा। किसी ने कहा कि उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने उनके कत्ल की शह सुर्खी जमाई। कई अखबारात ने नई जमात के ऐलान के साथ उनके मंजराम पर आने की मुख्तलिफ तारीखों के ऐलान भी किए। ताहम 1999 को वो अचानक लंदन में मंजराम पर आ गए। यहाँ कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने अल्ताफ हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कायदे तहरीक की भरपूर हिमायत का अज़्म दोहराया। उनकी 7 बहनें और 3 भाई हैं। वो अपनी अहलिया शुमाइला, 2 बेटों अलीशान और वुजदान के साथ लंदन में मुकीम थे। उनकी अहलिया सिंध असेंबली की साबिक रुकन है। न्यूज लाइन को 8 सितम्बर 2003 को अपने एक इंटरव्यू में बार बार पार्टी से मुअत्तली के सवाल पर उन्होंने कहा था कि ये सब पार्टी के कवायद जवाबित के तहत होता है, क्योंकि कोई भी शख्स पार्टी के कवायद से बालातर नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए ये सानहा कोई नया नहीं, इसे कयाम से ही इस किस्म के सानहात का सामना है। MKM के चेयरमैन अजीम अहमद तारिक को 1 मई 1993 को इनके घर में कत्ल कर दिया गया था। 16 फरवरी 2003 को MKM के साबिक रुकन सिंध असेंबली खालिद मलिक को मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानब से पहले भी खदशात जाहिर किए गए थे कि अल्ताफ हुसैन समेत लंदन में मुकीम रहनुमाओं को कत्ल करने की साजिशें तैयार की जा रही हैं। लंदन से 21 मार्च 2004 को जारी बयान में भी इसी खदशे का इजहार किया गया था कि MKM के सरबरा अल्ताफ हुसैन को लंदन में कत्ल करने के लिए मकामी कातिलों की खदमात हासिल की गई हैं। इसके बाद बरतानवी हुकूमत ने इनके लिए हिफाजती इकदाम में इजाफा कर दिया था। 1992 के ऑपरेशन के बाद से MKM कई बार अपने कारकुनों की गुमशुदगी और मावराई अदालत कत्ल की शिकायत करती रही है। डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल को बरतानवी जराए ब्लाग ने नुमाया कवरेज दी है। बरतानवी अखबार ने MKM के रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल को शाह सुर्खियों में शाया किया है। डेली गार्डियन ने कत्ल को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए बड़ा नुकसान करार दिया है, जबकि स्काई न्यूज चैनल का कहना है कि तालिबान के खिलाफ सख्त गिर मौकफ मुत्तहिदा के रहनुमा के कत्ल की वजह हो सकता है। BBC के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत का एक अहम बाब बंद हो गया है। नाज़रीन अब देखते हैं डॉक्टर इमरान फारूक की सियासी जिंदगी के बारे में फारूक आदिल की ये रिपोर्ट। मुहाजिर कौमियत का ख्वाब देखने वालों की तादाद कभी कम ना रही, लेकिन जिन लोगों ने इसका परचम उठाया उनकी तादाद 3 थी, अल्ताफ हुसैन, अजीम अहमद तारिक और डॉक्टर इमरान फारूक। अल्ताफ हुसैन ख्वाब देखने वाली इस मुख्तसर जमात के रूह रवां, सरपरस्त और कायद थे,
جماعت کے تنظیمی سربراہ عظیم احمد طارق تھے اور سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عمران فاروق اور جماعت تیال پاکستان مہاجر اسٹوڈینٹس فیڈریشن. اس طلبہ تنظیم کے وطن سے ایک سیاسی جماعت نے جنم لیا اور مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی متحدہ قومی موومنٹ کی شکل اختیار کر گئی جو متوسط طبقے کی مضبوط آواز بن کر ابھری. عظیم احمد طارق چند برس قبل قتل کر دیے گئے. اب کسی بے رحم قاتل نے ڈاکٹر عمران فاروق کی زندگی کا چراغ بھی گل کر دیا ہے تو میر کارواں اب اکیلا ہی رہ گیا ہے. دھان پان سے عمران فاروق گھر سے نکلے تو ڈاکٹر بننے کے لیے تھے لیکن قدرت ان سے کوئی اور کام دینا چاہتی تھی. وہ مختلف شناختوں میں بٹے ہوئے پاکستان میں ایک نئی قومیت کے لمبادار ہی نہیں بلکہ نظریہ ساز بن کر ابھرے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا نظم و ضبط عام طور پر ڈھیلا ڈھالا اور لچکدار ہوتا ہے لیکن کچھ مذہبی جماعتوں کے بعد ایم کیو ایم پہلی سیاسی جماعت ہے جس کے ڈسپلن کی مثالیں دی جاتی ہیں. یہ ڈاکٹر عمران فاروق کی تنظیمی صلاحیتوں کا نتیجہ تھا. روایت شکن سیاسی جماعتوں کو جلد یا بدیر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایم کیو ایم پر ایسا وقت 1992 میں آیا جب اس کے خلاف آپریشن کیا گیا. اس نازک موقع پر پارٹی کے کئی اہم رہنما زیر زمین چلے گئے, ان میں ڈاکٹر عمران فاروق بھی تھے. یہ رو پوشی کئی سال تک چلی. کبھی اتنا ملتی کہ ڈاکٹر صاحب یہاں ہیں, کبھی پتا چلتا کہ وہاں, لیکن کوئی سراغ رساں اور کوئی خفیہ ادارہ ان کی دھول بھی نہ پا سکا. لیکن ایک دن اچانک دنیا یہ خبر سن کر حیران رہ گئی کہ عمران فاروق لندن پہنچ چکے ہیں. دشمنوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لندن پہنچ جانے والے عمران فاروق کو لوگوں نے خوشگوار حیرت کے ساتھ دیکھا. کالی سیاہ مونچھوں والے عمران فاروق کے چہرے پر داڑھی تھی اور داڑھی میں سفید بال تھے. ایم کیو ایم کی تاریخ میں یہ ایک علامتی موڑ بھی تھا اور اس بات کا اظہار بھی کہ بھیگی مسوں کے ساتھ سفر شروع کرنے والے اب پختہ عمر کو آ پہنچے ہیں. جلاوطنی سے قبل ڈاکٹر عمران فاروق دو بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. ایم کیو ایم کے لوگ جب پہلی بار پارلیمنٹ میں آئے تو اپنی وضع قطع اور لباس کے سبب سب اس کے اصل محرک ڈاکٹر عمران فاروق ہی تھے. قومی اسمبلی میں ڈاکٹر عمران فاروق کی تقریروں کی بڑی دھوم تھی. وہ برجستہ شعر پڑھتے اور بے رحم تنقید کرتے. مبشرین ان کی شکل میں ایک نئے نوازادہ نصر اللہ خان کا جنم دیکھ رہے تھے. ان کی جلاوطنی نے قوم سے ابھرتا ہوا پارلیمنٹیرین تو چھین لیا لیکن ان کی تنظیمی اور فکری صلاحیتوں سے قوم کو بڑی توقعات وابستہ تھیں. ان کی زندگی نشیب و فراز اور اتنے ڈرامائی واقعات سے بھری ہوئی تھی کہ کسی سنسنی خیز فلم کا گماں ہوتا ہے. تجسس اور سسپنس سے بھری ہوئی یہ شخصیت 16 ستمبر کی شام اس طرح ختم ہوئی کہ اس کے بعد نئی کہانی شروع ہو رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کو کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے. نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. عبدالستار ایدھی کا کہنا ہے کہ قائد اعظم کے جنازے کے بعد پہلی بار کسی میت میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھی ہے. مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے رافع حسین فاروقی اس رپورٹ میں. انٹرنیشنل ایئر لائنز کی یہ پرواز یعنی PK 788 لینڈ کرنے والی ہے. کچھ لمحے کچھ لحظے باقی ہیں, ہم تازہ ترین مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہ پرواز اب سے کچھ دیر میں یہاں پہنچنے والی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے بانی رہنماؤں میں شمار کیے جانے والے ڈاکٹر عمران فاروق کا جسد خاکی ہیترو ایئرپورٹ سے پی آئی اے کی پرواز PK 788 کے ذریعے صبح 10 بجے کراچی ایئرپورٹ پہنچا. میت کے ہمراہ ان کے والدین بیوہ شمائلہ عمران, دونوں بیٹے اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ارکان بھی تھے. کراچی ایئرپورٹ پر وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک, گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان, بابر غوری اور دیگر نے ان کی میت وصول کی. عمران فاروق شہید کی میت براستہ شارۂ فیصل سخت سیکیورٹی حصار میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کی خصوصی ایمبولنس کے ذریعے شریف آباد میں ان کی رہائش گاہ پہنچائی گئی, جہاں ان کے عزیز و اقارب دوستوں اور رشتہ داروں نے ڈاکٹر عمران فاروق کا آخری دیدار کیا. اس موقع پر انتہائی دقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے. آخری دیدار کے بعد ڈاکٹر عمران فاروق کی جسد خاکی کو متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز اور ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے گھر 90 لایا گیا, جہاں ایم کیو ایم کے کارکنان نے میت کا آخری دیدار کیا, جہاں سے میت نماز جنازہ کے لیے جنا گراؤنڈ لائی گئی. اس موقع پر ایم کیو ایم کے وزراء اور رابطہ کمیٹی
के अराकीन एम्बुलेंस के आगे चल रहे थे। मैयत के जिना ग्राउंड पहुंचने के बाद मौलाना असद थानवी की इमामत में नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वज़रा पीर मजरूल हक, वकार महदी, राशिद रब्बानी, नजमी आलम, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी, निहाल हाशमी, सुन्नी तहरीक के सरबरा सरवत एजाज कादरी और समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार एदी समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। या अल्लाह शहीद इमरान फारूक की बख्शिश और मगफिरत फरमा, या अल्लाह इनको जन्नत में आला दर्जात अता फरमा। नमाज जनाजा के मौके पर फिजाई निगरानी का अमल भी मुसलसल जारी रहा। इस मौके पर जिना ग्राउंड के अतराफ की इमारतों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। कायद आजम के मैयत के बाद यह दूसरी मैयत है जहां पे लोग इतनी जनाजे की नमाज में शामिल हुए, क्योंकि मैं कायद आजम की मैयत में भी शामिल था। तो ये एक इंसान थे, इनको इंसान पसंद करते थे और खुद भी इंसानी नाते इंसानी थे। नमाज जनाजा के बाद इमरान फारूक को आखिरी सफर पर रवाना करने के लिए उनके जज्द खाकी को एम्बुलेंस के जरिए यासीनाबाद कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां हजारों कारकुनान ने आहों और सिसकियों में उन्हें सपुर्द खाक किया। तदफीन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि डॉक्टर इमरान फारूक जैसा लीडर सदियों में पैदा होता है, इनकी शहादत एमक्यूएम के लिए बड़ा सहनिया है, एमक्यूएम को यकीन है कि उनके कातिल जरूर बेनकाब होंगे। हमारा ये कामिल यकीन है कि डॉक्टर इमरान फारूक के कातिल गिरफ्तार होंगे और कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। हमारी ये दुआ भी है, हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमारा ये कामिल यकीन भी है, हमारा ये ईमान भी है कि ऐसा होगा। डॉक्टर इमरान फारूक के वालिद फारूक अहमद ने तदफीन के बाद अपनी रहाइशगाह पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो गैर मुल्की तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से अपने बेटे के कत्ल की तहकीकात पर मुतमईन है। उनका कहना था कि डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल पर अल्ताफ हुसैन को शदीद सदमा पहुंचा है। मुत्तहिदा ने जो थोक मनाया वो मुत्तहिदा का अपना काम था, लेकिन जो सो कौम ने मनाया वो बिल्कुल जुदा है। लियाकत अली खान के बाद ये पहला मौका है, पहली शहादत है कि इस तरह पुरअमन तौर पे लोगों ने अपने तौर पर अपना कारोबार बंद रखा, हमारे गम में शरीक हुए, ये किसी और के साथ। डॉक्टर इमरान फारूक का स्वयं कल 9:00 पर लाल किला ग्राउंड में नमाज जोहर से नमाज असर तक होगा, जबकि खवातीन के लिए नमाज असर से नमाज मगरिब तक डॉक्टर इमरान फारूक की रिहाइशगाह पर स्वयं का प्रोग्राम तय किया गया है, जबकि पीर से एमक्यूएम की मुअत्तल सरगर्मियों का भी आगाज हो जाएगा। जो कुछ भी हुआ है ये एक बाकायदा साजिश मंसूबे के तहत किया गया और इसका मकसद जो हम समझते हैं वो ये था कि एमकेएम को मलाइन किया जाए, बदनाम किया जाए और सिंध में एक मरतबा फिर जबान और नस्ल की बुनियाद पर आवाम को आपस में लड़ा के जो बाशूर आवाम है, अहले कलम है, तालबे हैं, हर शोबा जिंदगी के जो अफराद हैं उन्हें इन साजिशों को समझना चाहिए और हमारे पास तो इसके तमाम सबूत आ चुके हैं जो अब हम आवाम के सामने पेश करने जा रहे हैं। आवाम से मैं ये अपील करूँगा कि इस प्रोपेगेंडा का हरगिज़ शिकार ना हो और आपस में जो लड़वाने की साजिशें कर रहे हैं उनकी साजिशों का बिल्कुल शिकार। उड़ती पतंग सा था वो, कहां गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो, कल की फिक्र सताती वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो, कहां से आया था वो, छूके हमारे दिल को
में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बदला बारा था वो, प्यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढूं। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बदला बारा था वो, प्यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढूं। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढ। And support during this very difficult time. Thank you, you for coming today. Once
again, ladies and gentlemen, you can see just how distressing this is. Thank you all for coming.